हेलो गाइस, वेलकम टू गर्ल्स निकल रही हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं रेडी होके निकल दी हुई हूँ कोचिंग के लिए। मैं अपनी हम लोग पहुँच गए हैं दर्शन के लिए मंदिरों में। आज शिवालयों में बहुत भक्तों की भीड़ लगी हुई है गाइस। ये देखिए कितनी भीड़ लगी है। हमारे यहाँ तो बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर हर साल ही ऐसा मेला लगता है भक्तों का। आप देख सकते हो कितनी प्यारी प्यारी पंडालें लगी हुई हैं। हर पंडाल में कुछ ना कुछ वितरण हो रहा है। हेलो गाइस, आप देख सकते हो कितनी भीड़ हो रही थी। यहाँ पर डीजे वगैरह लगा हुआ था। मैंने साउंड म्यूट कर दिया है जिससे कॉपीराइट ना आ सके। मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। देखिए गाइस, मैं हूँ ये, बहुत भीड़ थी। मैंने सोचा थोड़ा ब्लॉगिंग की जाए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ पर मज़े आ रहे थे, सब लोग डांस कर रहे थे, हंसी मजाक, घूमने आए थे सब लोग। बहुत सारी पंडाल थी वहाँ पर। हम मंदिर से बहुत कम से कम 1 किलोमीटर दूर ही थे। हम लोग पैदल ही जा रहे थे। वहाँ पर पहले ही व्यवस्था कर दी थी पुलिस वालों ने। वहाँ पर पार्किंग वगैरह की, गाड़ी वगैरह की कोई नहीं थी। ओनली सब पैदल ही जा रहे, देख सकते हो आप। बैरिकेड वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पर। ये मंदिर आप सामने देख सकते हो गाइस। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा डीजे वगैरह लगा हुआ था। ये देखिए गाइस, आप देख सकते हो सब लोग डांस करते मस्ती में झूम रहे थे भोले बाबा की। देखिए हर हर महादेव। आप ज़रूर लिखिए, मेरी वीडियो को ज़रूर सपोर्ट करो गाइज। मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, आप लास्ट तक देखना कितना मज़ा आता है लास्ट में। मैं आपको पूरे दर्शन भी कराऊंगी। हम लोग बहुत थक रहे थे, पैदल बहुत दूर था। देखिए गाइज, तो बड़ा मज़ा बहुत आ रहा था। पूरी इतनी भीड़ थी ना गाइज, आप देख सकते हो। इतना मस्त डांस कर रहे थे लोग, भाग एकदम भोले बाबा की बारात समझ लो। इतना मस्ती में मस्त मगन थे। ये देखिए गाइस, यहाँ पर आइसक्रीम वगैरह भी बट रही थी। यहाँ पे पता है गाइस क्या हुआ था? ना यहाँ पे आइसक्रीम दोनों में दे रहे थे, बट दोनों ही ख़त्म हो गए थे। हाथों में देना चालू कर दिया था, फिर ना बाद में व्यवस्था करी। इतनी सारी भीड़ होती है ना गाइस, इतनी प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पाती है। ये देखिए यहाँ पर अंगूर वगैरह, संतरे वगैरह सब बट रहे थे। ये देखिए हम आ गए हैं मंदिर में। थोड़ा सा दूर और रह गया है मंदिर गाइस। ये देखिए कितनी लंबी लाइन लगी है अंदर मंदिर तक जाने के लिए। हम लोग लाइन में नहीं लगे क्योंकि हमें जो लोग सुबह से आए हुए थे उन लोगों को प्रॉपर व्यवस्था नहीं मिल पाई है। वहाँ पे एक आंटी खड़ी थी, तो मैंने उनसे पूछा था क्योंकि हम 4 घंटे से लगे हैं फिर भी हम दर्शन नहीं कर पाए अभी तक। ये देखिए हम लोग तो पीछे से आ गए थे। यहाँ पर दिए वगैरह कितना गंदा फैला के रखा है लोग बागों ने भगवान को। ये देखिए हमने एक माला ली थी, मुझे एक माला मिल गई थी। वहाँ पे भैया बहुत अच्छे थे। हम लोगों ने बाहर साइड से ही दर्शन कर लिए थे। हमको बहुत अच्छे दर्शन हो गए थे गाइस। ये देखिए कितनी भीड़ है, कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए गाइस, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। ये भैया बहुत मस्ती मार रहे थे। यही सब की बेलपत्री वगैरह आपको जो चढ़ाना हो वो चढ़ा के दे रहे थे। ये देखिए यहाँ पर प्रसादी हमने लौटते में थोड़ी ली थी बाद में। ये देखिए यहाँ पे बट रही थी। हम अभी ब्लॉगिंग ही बना रहे थे। हम लोग खा पी के गए थे घर से, तो हम लोग ज़्यादा भूख नहीं लगी थी, तो हम लोग को देख रहे थे। ये देखिए गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर ठंडाई वगैरह बट रही थी। मैंने एक ठंडाई ले ली थी। ये ठंडाई थी भांग की। मैं आके घर पे सो गई थी, मुझे नहीं पता था ये ठंडाई भांग की थी। इतना भीड़ हो रहा है और रहे थे दर्शन करके। आप देख सकते हो हम लोग जैसे जैसे निकलते आ रहे थे वैसे भी कम होती जा रही थी। दर्शन करने वाले को निकलते जा रहे थे क्योंकि हर मंदिर पे, हर जगह पर श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच रही है आज के दिन। निकल आई थी बस थोड़ा, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बरसात किया, थोड़ा सा लेना पड़ता है गाइस। फिर हम आ गए थे इधर, इधर भोले बाबा की मूर्ति थी। इधर हम रास्ते में देख रहे थे गाइस, हर जगह, पूरी जगह ऐसे ऐसे पंडाल लगे हुए हैं गाइस।
हमारे यहाँ पे बहुत उत्सव मनाया जाता है महादेव का। महाशिवरात्रि बहुत ही स्पेशल रहती है हम लोगों के यहाँ। ये देखिए कितना सुंदर सा डेकोरेट है। ये हम आ गए हैं कोटेश्वर मंदिर। कोटेश्वर मंदिर पर भी आप देख सकते हो कितनी भीड़ लगी हुई है, कितनी भरमार में जनता आई हुई है गाइस, आप देख सकते हो। हम लोग आ गए थे कोटेश्वर। कोटेश्वर में तो नामुमकिन था दर्शन करना कि भीड़ के मारे। ये देखिए गाइस, बट यहाँ पे अचलेश्वर की अपेक्षा कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। और यहाँ पर आप मतलब पूछो ही मत, यहाँ पर चोरी चपाटी भीड़ में सब ऐसा होता ही रहता है, आप समझ सकते हो। हम लोगों ने बाहर से ही दर्शन करे। हम पूरा घूम के आए थे गाइस।